वेलकम टू जनरल नॉलेज एंड ऑनलाइन मैप्स हेयर आई एम अख्तर अली व्यूअर्स वी विल डिस्कस सम फेमस लेक्स एंड रिवर्स ऑफ पाकिस्तान सो आई है ड्रॉन अ ऑफ पाकिस्तान एंड दीज आर द रिवर्स एंड लेक्स आई हैव रिटन देयर अगर रिवर्स की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी रिवर है उसका नाम है इंडस रिवर जिसे मेहरान रिवर भी कहा जाता है सो इट ओरिजिनेट्स फ्राम लेक मंसरवर दिस इज एरिया वेयर फ्राम रिवर इंडस और लेक मंसरवर लाइज इन तिब्बत तिब्बत एरिया है जो ऑटोनस रीजन ऑफ चाइना और चाइना का रीजन है सो इंडस रिवर फ्लोज फ्राम हेयर एंड नॉर्थ वेस्ट एंड इंटर सेंट जम्मू एंड कश्मीर दिस इज़ द लद्दाख रीजन एंड एंड फ्लोज फ्राम लद्दाख रीजन एंड इंटरस एनग कारगिल गेन एंटर्स इन बल्तिस्तान एंड गिलगित और यहाँ से साउथ में यहाँ नीचे साउथ की तरफ आती है फिर अगेन एंटर्स इन खैबर पख्तून खोआ एंड वेस्ट ऑफ पंजाब ये पंजाब का वेस्ट है तो अगेन फ्लोज डाउन डाउनवर्ड साइड एंड एंटरस इन सिंध एन एन द लास्ट इट ड्रेनस इन अरबियन सी तो ये है रिवर इंडस और इसका जो डेल्टा बनता है वो है ठट्ठा रीजन में यहाँ ठट्ठा सिंध में और यहाँ इसका सबसे बड़ा डेल्टा बनता है तो अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की बात करें तो इट इज़ मूविंग फ्राम नॉर्थ टू साउथ दिस इज डाउनवर्ड साइड सो इसका राइट साइड ये राइट बैंक होगा और ये लेफ्ट बैंक होगा तो इसके लेफ्ट बैंक पे अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक पे पांच रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और मेजर ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरीज आर दी दो रिवर्स विच आर स्मॉल इन साइज एंड जॉइंस इन लार्जर रिवर्स ठीक है जहलम चिनाब रावी सतलज ब्यास आर स्मॉलर देन इंडस रिवर एंड जॉइंट इंडस रिवर हेयर लेफ्ट बैंक पे अगर हम देखें लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर तो दीज आर दी जहलम चिनाब रावी सतलज इन ब्यास और फ्राम हेयर इज़ जहलम रिवर ये जहलम रिवर स्टार्ट फ्राम वेरिन ये वेरिनक कश्मीर वैली है ये साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली और यहाँ से निकल कर ये उरी है एरिया और फिर इंटर्स इन आज़ाद कश्मीर बीरपुर एंड अगेन इंटर्स इन पंजाब फ्राम जहलम डिस्ट्रिक्ट एंड जॉइंस इन दिस एरिया टू चनाब रिवर सो द एरिया वेयर जहलम एंड चनाब मीट्स द एरिया इज़ कॉल्ड ट्रिमू ये ट्रिमू है जहाँ पर जहलम और चनाब दोनों मिलते हैं और ये जंग डिस्ट्रिक्ट है तो द लेंथ ऑफ जहलम रिवर इज़ सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर ठीक है इसके बाद है चनाब रिवर दिस इज़ अबाउट नाइन हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर एंड इट औरिजिनेट फ्राम लाहौल एंड इस्पिति एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश इज़ ए स्टेट ऑफ इंडिया लाहौल एंड स्पिति इज़ एन एरिया सो चनाब रिवर औरिजिनेट फ्राम दिस एरिया एंड गोज़ अहेड एंटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर अगेन एंटर्स इन पंजाब सो ये चनाब रिवर है एंड जॉइंस इंटर्स रिवर इसके साथ है रावी रिवर दिस इज रावी रिवर एंड इट्स अबाउट सेवन हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर सो इट औरिजिनेट फ्राम छंबा रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गोज़ अहेड एंड रावी एंड इंटर्स इन पठानकोटा पंजाब ऑफ इंडिया एंड अगेन इंटरसिन पंजाब इन डिस्ट्रिक्ट लाहौर सो ये लाहौर के साथ ये रावी रिवर आ, आती है फिर अगेन जॉइंस चनाब। तो नीचे जो है दिस इज सतलज रिवर सतलज रिवर इस्टार्ट फ्राम अ लेक मनसरवर आर माउंट कैलाश दिस माउंट कैलाश है यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इट्स लॉन्गेस्ट और इट्स अबाउट फोटीन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर और ये पाकिस्तान में यहाँ से इंटर होती है और पंजाब से और जॉइंट एट पंज और रावी ब्यास जो है ये है ब्यास ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश में है इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड जॉइंस सतलज रिवर एट दिस एरिया ठीक है तो ये है पांच रिवर दीज आर द फाइव रिवर्स एट लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर ये लेफ्ट बैंक है तो ये एंड दीज फाइव रिवर्स जॉइंस एट पंजनद ये एरिया है जहाँ पर ये पांच नदियाँ जो हैं आपस में मिलती हैं जो एरिया कहा जाता है पंजनद द पॉइंट वेयर फाइव रिवर्स मीड और ये पंजनद एरिया जो है ये बाहुलपुर में है और यहाँ से एक पंजनद नदी के तरफ सेवेंटी किलोमीटर कवर करती है पंजनद एंड ज्वाइंस इंडस रिवर एट कोट मिठन कोट मिठन एक गांव है एंड राजनपुर डिस्ट्रिक्ट का पंजाब जहाँ पर ये पंजनद जो है ज्वाइंस करती है इंडस रिवर को सो दीज आर द रिवर्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर लेट्स टॉक अबाउट राइट बैंक अगर राइट बैंक की बात करें तो राइट right बैंक ये काबुल रिवर है कुरम रिवर है गोमल रिवर है दीज आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर ऑन द राइट बैंक ठीक है राइट right बैंक में ये काबुल रिवर कुरम रिवर गोमल रिवर कम्स इन खैबर पख्तून का काबल रिवर की बात करें तो काबल रिवर स्टार्ट फ्रॉम जलालाबाद अफ़गानिस्तान एंड अगेन इंटर्स इन अफगानिस्तान खैबर पख्तून का एंड जॉन्स इंडस रिवर एट नियर अटक ठीक है तो काबल रिवर इज़ अबाउट सेवन हंड्रेड किलोमीटर और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है पेशावर ये पेशावर नौशेरा और चारसदा काबुल रिवर पे इसके बाद है गोमल रिवर दिस इज़ गोमल रिवर एंड जॉन्स इंडस रिवर सो गोमल रिवर जो है वो इट्स अबाउट 400 किलोमीटर एंड कम्स इन डेरा इस्माईल खान ठीक है तो ये जॉन्स हेयर एट इंडस रिवर इसके बाद है कुरम रिवर ये दिस इज़ कुरम रिवर इट्स अबाउट 300 किलोमीटर ठीक है तो ये कुरम डिस्ट्रिक्ट है और ये जॉइंस इंडस रिवर एट ईसा खेल दिस इज़ ए एरिया ईसा खेल आफ पंजाब तो ये दीज आर द प्रिंसिपल थ्री मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर और काबुल रिवर की और ट्रिब्यूटरीज tri हैं ये छोटी रिवर है कुन्नर रिवर एंड सवात रिवर ये कुन्नर रिवर हिंदू कश रेंज से निकलती है औरजिनेट एंड जॉइंस काबुल रिवर एंड सवात एज वेल इन सवात डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से और इट ओरिजिनेट फ्राम देयर एंड जॉइंस काबुल रिवर उसके बाद है टोची रिवर टोची रिवर भी ज्वाइन करती है कुरम को एंड कुरम अगेन जॉइंस इंडस रिवर सो so, ये नीचे से कोमल गोमल रिवर के बाद है ज़ोब रिवर ये जोब रिवर जो है बलूचिस्तान से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और गोमल रिवर को यहाँ मार्च होती है इसलिए और कुंदर रिवर भी है दिस इज कुंदर रिवर एट ओरिजिनेट फ्रॉम बलूचिस्तान एंड जॉन्स गोमल रिवर तो ये है राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर सो नाउ वी आई विल डिस्कस अबाउट रिवर्स इन बलूचिस्तान अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में फेमस जो रिवर्स हैं वो दश्त रिवर है हंगोल रिवर है हब रिवर है मुला रिवर है बोलान रिवर है जोब रिवर है एंड कुंदर रिवर है तो दश्त रिवर ये जो दश्त रिवर है ये है मकरान की तरफ और ये दस्त रिवर स्टार्ट इन सेंट्रल मकरान ठीक है ये है कैच और दश्त डैम जो मीरानी डैम है इट इज़ बिल्ट ऑन दश्त रिवर तो ये है बलूचिस्तान में और इसके साथ है हिंग दिस इज़ हिंग एट इज़ एन एरिया इन अवाराम एन लसबेला और हिंगोल रिवर इज़ द ला लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान ठीक है उसके साथ है हब रिवर हब रिवर ये है हब रिवर इट कम्स इन सिंध कराची एंड बलूचिस्तान सो हब डैम भी है जो हब रिवर पे है इसके बाद है मोला रिवर इट कम्स इन झलमक्सी ऑफ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट मोला रिवर एंड बोलान रिवर इज़ देयर ठीक है बोलान रिवर कम्स इन बोलान डिस्ट्रिक्ट एंड कोयटा उसके साथ है जोब डिस्ट्रिक्ट ये जोब डिस्ट्रिक्ट है तो ज़ोब रिवर भी है यहाँ पर तो इट्स अबाउट फोर हंड्रेड किलोमीटर ये भी बलूचिस्तान की रिवर है इसके साथ कुंदर रिवर है कुंदर रिवर कम्स इन बलूचिस्तान एंड जॉन्स गोमल रिवर तो ये रिवर्स हैं बलूचिस्तान की नीचे आ जाए तो ये है सिंध प्रोविंस तो सिंध प्रोविंस में चार रिवर हैं ठीक है तो चार रिवर कौन कौन सी हैं एक तो ये इंडस रिवर इट सेल्फ इज़ इस लार्जेस्ट रिवर ऑफ़ सिंध एज उसके बाद है मली रिवर ठीक है उसके बाद है हब रिवर उसके बाद है लियारी रिवर तो ये लियारी हब ये जो है कराची में है बाकी इंडस रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है और ठे में इसका डेल्टा बनता है तो दीज आर दी सम फेमस रिवर्स ऑफ पाकिस्तान और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेक्स यहाँ अगर सिंध से स्टार्ट करें तो सिंध में जो फेमस लेक हैं वो हैं ड्रिग लेक हमल लेक लंग लेक देख लें आई हैव रिटेन दियर आर द ड्रिग लेक हमल लेक लंग लेक हदेरो लेक हालेजी लेक किंजर लेक मंचर लेक कलरी लेक एंड चुटारी शकूर लेक ये जो ड्रिग लेक है हमल लेक है और लंग लेक है ड्रिग हमल लंग ये कंबर शहदाद कोट को डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये आती हैं और ये है खीर रेंज जहाँ पर ये तीन लेक्स हैं ड्रिग लेक हमल लेक और लंग लेक एंड दीज थ्री लेक्स आर वेरी फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स और उसके बाद है थठा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जहाँ पर इंडस रिवर का डेल्टा बनता है तो यहाँ पर तीन लेक्स हैं हदेरू लेक हालेजी लेक ठीक है और किंजर लेक तो अगर किंजर लेक की बात करें तो किंजर लेक इज़ वेरी फेमस लेक इट्स एन नेम इज़ कलरी लेक और यहाँ पर जो है नूरी जाम तमाची का किस्सा जो है नूरी इज़ बरड देयर इन कलर इन कलरी लेक और किंजर लेक ठीक है तो नूरी ता, जाम तमाची इज़ लव स्टोरी तो किंजर लेक ठा में है ठीक है और ये फ्रेश वाटर लेक है और हदेरू लेक हालेजी लेक एंड दीज आर लेक्स आल्सो इन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट उसके बाद है चोटियारी लेक। चोटियारी लेक जो है ये है सांगढ़ की तरफ ये सांगढ़ में इट्स आर्टिफिशियल लेक क्योंकि वहाँ पर चोटियारी डैम भी है तो ये आर्टिफिशियल लेक है उसके बाद एंड में है शकूर लेक शकूर लेक ये जो एरिया है ये एक रन ऑफ कच एरिया इंडिया एंड सिंध तो इस एरिया में ये शकूर लेक आती है ठीक है और आगे है मच्छर लेक मंचर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ठीक है ये है जामशोरु डिस्ट्रिक्ट इसके साथ और ये जामशो डिस्ट्रिक्ट में मंचल लेक आती है दादू और जामशोरू के बीच में है तो इसका मंचर लेक तो दीज आर द लेक्स ऑफ सिंध प्रोविंस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेकस ऑफ पंजाब तो लेक्स ऑफ पंजाब की बात करें तो ये हैं सोएक लेकिन लेक झालर लेक एंड नमर लेक दीज लेक्स आई हैव रिटर्न हेयर सोएक लेक उछाली लेक खबेकी लेक ज़ालर लेक एंड नमल लेक अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो सोएक लेक जो है वो है चकवाल डिस्ट्रिक्ट में कलर कहार तहसील है चकवाल यहाँ पर रावलपिंडी के बाद आता है चकवाल डिस्ट्रिक्ट तो ये है चकवाल डिस्ट्रिक्ट में कलर कहार तहसील है यहाँ पर यह लोकेट होती है तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल लेक सोएक लेक इन पंजाब और इसके अलावा है खबेकी लेक जो सोन वैली में है और ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है खुशाब डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर ये खबेकी लेक है जो झील है और झालर लेक एंड नमल लेक झालर लेक भी खुशाब में ही है और दी आर द साल्टी क्योंकि यहाँ पर साल्ट रेंज है ठीक है तो वहाँ पर ये जो खबे की लेक झालक लेक सार साल्टी लेक और उसके बाद है नमल लेक नमल लेक जो है वो है मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में मियाँ वाली भी इसी तरफ आता तो तो है तो खुशाब के बाद मियाँ वाली है तो ये नमन लेक जो है मियाँ वाली में सो दीज आर द सम फेमस लेक्स ऑफ पंजाब सो एक लेक खबे की लेक एंड नमल लेक ऊपर चले जाएं तो ये है आज़ाद कश्मीर ये है मीरपुर तो यहाँ पर जो फेमस लेक्स हैं वो है सरल लेक शर लेक और बंजोसा लोक बंजोसा लेक सारल लेक जो है वो है नीलम वैली में और उसके बाद है शाउंटर लेक वो भी नीलम वैली में और बंजूसा लेक जो है वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद कश्मीर का ये है आज़ाद कश्मीर का एरिया यहाँ तो ये है बंजूसा शाउंटर एंड सरल लेक दिस कम्स इन आज़ाद जम्मू कश्मीर अगर ऊपर चले जाएं तो ये है गिलगित बल्दिस्तान का एरिया तो गिलगित बल्दिस्तान में जो फेमस लेक हैं वो है शंगरीला लेक रश लेक कटपारा लेक ठीक है अताबाद लेक ठीक है तो ये शंगरीला लेक जो है आल्सो आल्सोकॉड लोअर कचूरा लेक और वेरी ब्यूटीफुल लेक ठीक है उसके बाद है रश लेक ये नगर वैली में आता है उसके बाद है कटपारा लेक ये स्कर्दू है ये है दिस एरिया स्कर्दू तो यहाँ पर है कटपारा लेक और इसके बाद है अताबाद लेक ये भी यहाँ तो इसके साथ है खैबर पख्तून का दिस एरिया तो यहाँ जो फेमस लेक्स हैं वो है मलूक जो नारायण कागान में इट्स वेरी टूरिस्ट स्पॉट है मलूक ये नारायण कागान वैली है जो डिस्ट्रिक्ट आता है मानसेरा उसके बाद है आंसू लेक ठीक है तो ये कागान वैली में आता है ये भी डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है आंसू इसका शेप शो करता है आंसू जिस तरह होता है उसके बाद है बशग्राम लेक ये बशग्राम लेक सवात में आते हैं और उसके बाद है कटोरा लेक लूसर लेक एंड श्रीपाई लेक तो ये कटोरा लेक जो है वो अपर दीर में आती है ये कटोरा इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बाउल शेप्ड है कटोरा तो बाउल शेप्ड है ये अपर दीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी के एंड लुलूसर लेक ये भी कागान वैली में है उसके बाद है श्री पाए लेक ये भी शौगरान और कागान वैली में है तो दीज आर दम फेमस लेक्स ऑफ केपी के और नाव कम डाउन तो आगे है बलूचिस्तान तो बलोचिस्तान में जो फेमस लेक है वो है हन्ना लेक हन्ना लेक उरक वैली है यहाँ पर ये कोयटा के साथ ये हन्ना लेक जो है कोयटा में आती है तो उरक वैली में है और इसके बाद है सरंदा लेक सरंदा लेक इज लसबेला यहाँ पर ये लसबेला तो यहाँ पर सरंदा लेक हन्ना लेक सरंदा लेक आर द फेमस लेक बलोच बलोचिस्तान सो टुडे वी विल डिस्कस सम फेमस लेक्स ऑफ पाकिस्तान and rivers so in next lecture we will discuss about dams barrages and other important aspects of pakistan see you in next lecture goodbye